नमस्कार, मैं सोनाली स्कोत्र और आप देख रहे हैं जेके सीएनएन न्यूज़। और इस वक्त हम तवी में मौजूद हैं यहाँ पे, जिस तरह से आज नराम नवमी है उसके उपलक्ष्य पे लोग जो है वो माता का विसर्जन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जो जितने भी हमारे जम्मू की एनजीओ है उनके द्वारा यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरह से प्लास्टिक लोग अलग अलग चीज़ें जो तवी में फेंक देते हैं उससे काफ़ी तवी हमारी दूषित हो जाती है। और उस चीज़ को रोकने के लिए हर साल ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस साल फिर जो है ये लोगों को रोका जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये देख सकते हैं सारी तस्वीरें आप जम्मू तवी की। और यहाँ पे लोगों को जो जितने भी सामान लोगों लिए हैं उनके हाथों से लेके जो है एक जगह डंप किया जा रहा है। ये साफ तस्वीरें आप तवी की देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है। हर संडे को हम जल्द से जल्द प्राइवेट होने वाले और मैं पूरी मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे दोनों को बच करके हमारे साथ है। धन्यवाद। जय माता जय माता। कहना चाहता हूँ मेरे पूरे देशवासियों को सबको शुभकामनाएं है। माता की सांस सुनवाई है, व्रत रखे हैं, जैसे ही रखे हैं माता रानी मंजूर करें। हमारे काजू बंदे माता रानी का झुकाव मेरे देश को ठीक रखे और कोरोना महामारी से ठीक करे और एक रख जाएंगे। कोई भी लिफाफा या कूड़ा कचरा कोई भी गंदी चीज इसमें नहीं डाले, काफ़ी अच्छी है माता के चरणों में। कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कर रहे हैं सब काम, ये सब ना पूरी जम्मू का काम है, ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। ये हम अकेले अगर करेंगे तो अकेले तो होगा नहीं, सब मिलजुल के करेंगे तभी होगा। लोगों को इस पर अवेयरनेस भी नहीं है, हमें चाहिए कि मतलब अवेयरनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। जैसे इधर ही मतलब कुछ लोग ऐसे मतलब बीच में बोलने से रहते हैं, मतलब कुछ लोगों की आस्था भी होती है, कुछ लोगों की सोच होती है अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो ज़्यादा से मतलब पूरे जम्मू वासियों को सबको आपस में मिलजुल के जब ये साफ सफाई करेंगे तभी साफ होगी।